हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्जाम्स। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BEGG 172 लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स करवाऊंगी। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज चल रही है जिसमें मुझे जो क्वेश्चंस लग रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, प्लस आपके सिलेबस को पूरी तरीके से कवर अप कर पा रहे हैं, लाइक कि आपकी बुक में जितने भी मेन मेन टॉपिक्स है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी कवर हो रही हैं, वो टॉपिक्स मैं आपको अभी करवा रही हूँ क्योंकि एग्जाम बहुत पास में है, इसलिए ताकि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो। और इन वीडियोज़ पर काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी आ रहे हैं आप सबके, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, इतना मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। और एक मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए जितना मैक्स टू मैक्स आप कर सकते हैं। और ऑनेस्टली बोलूँ तो हो सकता है कि आपको मेरी बातों में थोड़ा सा लालच दिखे, बट देखिए अभी ना मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं 400 अबव हैं। अगर आप सब लोग दो दो सब्सक्राइबर्स भी अगर कहीं से अरेंज करते हैं, अपने आसपास के फ्रेंड्स में शेयर करते हैं, तो बहुत जल्दी मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। आर्स अभी रहते हैं लेकिन सब्सक्राइबर्स बहुत ही लिमिटेड रहते हैं, तो वो आप जल्दी से कंप्लीट करवा सकते हैं। एंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंग्वेज वेरिएशंस एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल। आज की जो वीडियो है इसमें जो मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी वो बहुत बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे और यहाँ से वीडियो को पॉज करके भी आप इस आंसर को लिख सकते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंग्वेज वेरिएशंस, आपको एग्जांपल की हेल्प से इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन ये जो है इसका आंसर लॉन्ग आंसर में आने की पूरी पूरी होप है कि जो लैंग्वेज वेरिएशंस होते हैं उसमें कितने टाइप्स होते हैं, आपको हर एक को एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करना है। शॉर्ट में भी कई बार पूछा जा सकता है कि जो लैंग्वेज के जितने भी डिफरेंट काइंड्स होते हैं उनमें से कुछ एक आध आपको डिफाइन करने आ जाए। अब इस आंसर को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए जो लैंग्वेज वेरिएशन है वो क्या है, क्यों इसकी इंपॉर्टेंस होती है। तो वेरिएशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज, देयर इज मोर देन वन वे ऑफ सेइंग द सेम थिंग। अब जो लैंग्वेज होती है ना उसमें क्या बेनिफिट होता है, हर किसी की अपनी एक लैंग्वेज होती है, लोकल एरिया की, नेटिव स्पीकर्स की, हर किसी की अपनी एक लैंग्वेज होती है, कंट्री वाइज, स्टेट वाइज, रीजन वाइज ये अलग अलग होती जाती है। अब इसमें एक ही जो सेम वर्ड होता है, कोई सेम चीज़ है, कोई सेम थिंग है, उसको कहने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे कि पर्यायवाची शब्द जब आप करते हैं ना, सिनोनिम्स जैसे, तो उसमें क्या होता है, एक ही चीज़ को आपने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बोल दिया लेकिन मतलब सेम था, लेकिन उसको कहने का जो तरीका था वो अलग अलग था, अलग अलग वर्ड्स आपने उसके लिए यूज़ किए। ये चीज़ें लैंग्वेज वेरिएशन को डिफाइन करती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, वाटर है। वाटर क्या है, पानी है। आप पानी को बहुत बहुत अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं, वाटर बोल सकते हैं, पानी बोल सकते हैं, जल बोल सकते हैं, नीर बोल सकते हैं, H2O भी बोल सकते हैं, तो हर तरीके से आप इन वर्ड्स को डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन जो ये वेरिएशन आपको देखने को मिली इसे हम लैंग्वेज वेरिएशन कहते हैं, जो स्टेट, रीजन या फिर कंट्री या फिर कम्युनिटी, ग्रुप, सोशल, हर तरीके से किसी भी वे में ये आ सकती है। स्पीकर्स में वेरी प्रोनंसिएशंस, वर्ड चॉइस और मॉर्फोलॉजी एंड सिंटेक्स। जो स्पीकर्स होते हैं ना वो बेसिकली या तो प्रोनाउंस उसको अलग तरीके से कर सकते हैं, जो वर्ड चॉइस है वो अलग हो सकती है, या फिर मॉर्फोलॉजी और सिंटेक्स के बेसिस पे भी लैंग्वेज में वेरिएशंस आ सकती हैं। बाकी सारे वर्ड्स तो क्लियर हो गए होंगे, मॉर्फोलॉजी और सिंटेक्स क्या होता है इसको ज़रा समझते हैं। पहले देखते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कुछ ऐसे वर्ड्स की स्टडी करना, किस तरीके से वो बने हैं, या फिर जो बाकी के वर्ड्स हैं उनके साथ में उनका रिलेशनशिप कैसा है सेम लैंग्वेज में, तो इस चीज़ को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। मॉर्फोलॉजी में ये टाइप्स मेन होते हैं, एक होता है सफिक्स, प्रीफिक्स और रूट वर्ड्स। वैसे तो इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ लेकिन फिर भी इसको मैं बता दूँ अगर आप में से कोई नया बच्चा देख रहा हो तो। सफिक्स का मतलब होता है जो वर्ड के एलिमेंट पीछे लगते हैं, सफिक्स हम उन्हें कहते हैं। प्रीफिक्स का मतलब जो वर्ड के आगे लगते हैं, जैसे कि अन वर्ड आपने आगे लगा दिया, प्री वर्ड आगे लगा दिया, तो ये क्या होते हैं, प्रीफिक्स होते हैं, जिसको आपने वर्ड के आगे इन एलिमेंट्स को ऐड करके वर्ड का पूरी तरीके से मीनिंग चेंज कर दिया या फिर उसको कुछ और बना दिया, तो उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं। इसके अलावा जो रूट वर्ड्स होते हैं वो बेस वर्ड्स होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पर लेते हैं नेशनल वर्ड, तो अगर ये नेशनल वर्ड लिखा मैंने, इसके अगर मैं लगा दूँ इंटर, तो इंटर लगाने से ये क्या चीज़ बनी, इंटरनेशनल। तो इंटर वर्ड जो है ना ये आपके पास में प्रीफिक्स का वर्ड काम करेगा। वहीं पे अगर मैंने लिखा नेशनलिटी, तो यहाँ पे मैंने ITY लास्ट में लगा दिया, तो ये जो वर्ड अटैच हुआ ये क्या हो गया, सफिक्स हो गया, और जो नेशनल वर्ड था ये क्या है, बेस वर्ड है या रूट वर्ड है। तो इट मीन्स जो एक रूट वर्ड होता है उसका अपना मीनिंग होता है, उसके आगे आप सफिक्स और या फिर सॉरी उसके आगे आप प्रीफिक्स या फिर पीछे सफिक्स लगा के वर्ड का मीनिंग भी चेंज कर सकते
सकते हैं, स्टेट भी चेंज कर सकते हैं, उसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेकर आ सकते हैं, उसका पूरी तरीके से मीनिंग भी चेंज हो जाता है। तो जो आगे वर्ड के एलिमेंट्स लगे उसको हम प्रीफिक्स कहते हैं, जो वर्ड के पीछे लगे उसे हम सफिक्स कहते हैं, और जो मेन वर्ड होता है उसे हम बेस रूट या रूट वर्ड कहते हैं। तो ये चीज़ें आती हैं आपकी मॉर्फोलॉजी में। सेकेंड आता है आपके पास में सिंटेक्स। तो सिंटेक्स क्या होता है? बेसिकली सिस्टम ऑफ रूल्स होता है। किसी भी सेंटेंस को स्ट्रक्चर करने के लिए आपको रूल्स की ज़रूरत होती है। जैसे कि जब आप टेंस पढ़ते हैं तो उसमें होता है वर्ब आपने यूज़ किया, कोई भी वर्ब आप यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, वर्ब के साथ में एस या ई एस आपने लगाया। तो जो इस तरीके के रूल्स होते हैं ना टेंसेज में स्पेशली या ग्रामर में, आपके पास में राइटिंग के टाइम पे बहुत सारे रूल्स होते हैं। तो ये जो रूल्स का इस तरीके से होता है कि ऐसे स्ट्रक्चर करना, सेंटेंस कैसे बनाया जाएगा लैंग्वेज यूज़ करके, तो उस चीज़ को हम सिंटैक्स कहते हैं। तो दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई, सिंटैक्स और मॉर्फोलॉजी। अब बात करते हैं जो हमारा मेन क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंग्वेज वेरिएशन। जो लैंग्वेज वेरिएशंस है इसके कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं, कौन कौन से टाइप की जो लैंग्वेज वेरिएशंस है वो देखने को मिलती है। सो यहाँ पे मैंने बहुत सारे टाइप्स यहाँ पे लिख दिए हैं। ये मैंने ऐसे ग्रुप में इसलिए लिखे हैं क्या कि थोड़ा बीच में ना गैप आपको समझ में आ जाए कि ये अलग अलग टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है स्टैंडर्ड, पोलाइट या फॉर्मल, ये तीनों एक ही पार्ट में आते हैं। सेकंड है कोलोक्वियल, इनफॉर्मल। थर्ड वन इज लिंगुआ फ्रैंका एंड फोर्थ वन इज पिडगिन। एक चीज़ और प्लीज़, मैंने ना इनकी जो इनको कैसे प्रोनाउंस करते हैं एग्जैक्टली मैंने सबका वर्ड टू वर्ड चेक नहीं किया था क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है इसमें मेरा, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। लेकिन हाँ, स्पेलिंग को लेके मैं श्योर हूँ, स्पेलिंग मैंने गलत नहीं लिखी है, और आप इसके प्रोनाउंसिएशन चाहे तो चेक कर लेना, अदरवाइज स्पेलिंग तो आपको लर्न करनी पड़ेगी क्योंकि लैंग्वेज में मार्क्स होते हैं। आपकी एक अल्फ़ाबेट से ना इसके वर्डिंग बिल्कुल अलग चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट आता है कैरियोल, वर्नाकुलर, पैटोस या लिंगो, जॉर्गन, स्लैंग, ये कुछ टाइप्स हैं। इसके अलावा दो और टाइप्स हैं जैसे रीजनल डायलेक्ट हो गया और सोशल डायलेक्ट। इसको मैंने अलग इसलिए लिखा क्योंकि इनके साथ में एक टर्म आती है डायलेक्ट, इसका मीनिंग थोड़ा मैं आपको समझाती हूँ, फिर आपको वन बाय वन एक एक टाइप समझाऊंगी किस टाइप की वेरिएशन है, कहाँ आपको देखने को मिलेगी। अब पहले देखते हैं रीजनल डायलेक्ट एंड सोशल डायलेक्ट। तो जो रीजनल और सोशल है इस वर्ड को अभी थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए, पहले डायलेक्ट वर्ड पे फोकस करते हैं। डायलेक्ट क्या होता है? तो डायलेक्ट क्या है? बेसिकली ऐसा फॉर्म ऑफ लैंग्वेज है जो कि किसी भी एरिया में या कंट्री में बोला जाता है, तो उसे हम डायलेक्ट कहते हैं। फॉर्म ऑफ लैंग्वेज दैट इज स्पोकन इन वन एरिया ऑफ अ कंट्री। तो किसी भी कंट्री के एक एरिया में, कम्युनिटी में जो बोला जाता है उसे हम डायलेक्ट कहते हैं। अब वन बाय वन एक एक पार्ट में आपको समझाती हूँ। फर्स्ट आता है स्टैंडर्ड, पोलाइट एंड फॉर्मल, ये वाला पार्ट है हमारा फर्स्ट, अभी हम इसको पढ़ते हैं। स्टैंडर्ड, पोलाइट और फॉर्मल, ये बेसिकली ऐसा वाला पार्ट होता है या ऐसी लैंग्वेज में वेरिएशन होती है जिसमें रूल्स से स्टिक करा होता है। विदाउट रूल्स आप इन सेंटेंसेस को नहीं बना सकते। जैसे कि प्रॉपर फॉर्म होती है इंग्लिश की, आपके पास में फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वर्ड की फॉर्म है और आपको पता है उसके लिए अलग अलग रूल्स होते हैं जब आप उसको सेंटेंस में अप्लाई करते हैं। तो जहाँ पे रूल्स की बात हो कि आप किस तरीके के रूल्स को, कब कौन सी वाली फॉर्म को यूज़ करना है, कब कैसे वर्ड्स को यूज़ करना है, तो जब आपके पास में ऐसे चीज़ें आती है, रूल से रिलेटेड बात होती है, तो आप इस वाली वेरिएशन का यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड, पोलाइट और फॉर्मल। इसके अलावा जैसे आप कोई चीज़ राइटिंग में, स्पेशली जो ये वाला टर्म होता है, ये वाली जो लैंग्वेज वेरिएशन है, ये आपको राइटिंग पोर्शन में दिखता है। जैसे आप फॉर्मल लेटर्स लिखते हैं या फिर ऐसे राइटिंग करते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको ज़्यादा टाइम पे दिखती हैं, और कोई पोलाइट सिचुएशन है तो वहाँ पे ये आपको देखने को मिलेगा। सेकेंड टाइप आता है कॉलोक्यूअल या फिर इनफॉर्मल टाइप। तो जो इनफॉर्मल है ना, देखिए बिल्कुल नाम से ही सजेस्ट हो रहा है, जो फॉर्मल है ना इसके बिल्कुल ऑपोजिट होगा। ये जो फॉर्मल वाला फर्स्ट वाला जो पोर्शन है ये राइटिंग में यूज़ किया जाता है, वहीं जो इनफॉर्मल है ये स्पीकिंग पे, स्पोकन पर्पज़ पे यूज़ किया जाता है। और आपको पता है जब आप कोई चीज़ बोलने में, लैंग्वेज में फ्लुएंसी आती है, और जब बोलने के टाइम पे कोई चीज़ को यूज़ करते हैं तो ज़्यादा टाइम पर रूल्स पे ध्यान नहीं दिया जाता और मिस्टेक्स को पकड़ पाना भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि एक फ्लुएंसी आ जाती है। रिटर्न में आपके पास में एक स्टैटिक मटेरियल होता है जहां पे आप मिस्टेक्स को जल्दी कैची कर सकते हैं। प्लस जैसे अगर इंग्लिश जैसी लैंग्वेज की बात करें तो हमारे अंदर ना एक हवा सा है कि इंग्लिश तो किसी को बहुत अच्छी आती है तो वैसे ही फोकस नहीं करते। अगर कोई फ्लुएंसी में बोल रहा है, गलत भी बोल रहा है, तो हम तो बस उसके फैन हो जाएंगे कि हाँ चलो इसने इतना अच्छा कैसे बोल दिया। तो देखिए कॉलोकियल या इनफॉर्मल का मतलब ये हो गया जो कि आप स्पोकन के लिए यूज करते हैं, जो बहुत ज्यादा फॉर्मल नहीं होती है और इसमें रूल्स का इतना ज्यादा मेजर रोल नहीं होता। अब मेजर रोल नहीं होता इसका मतलब ये भी नहीं कि गलती बोल देंगे, बट हाँ ज़्यादा टाइम तक इसमें इतना फोकस नहीं किया जाता रूल्स के टाइम पे क्योंकि कम्युनिकेशन आप इससे करते हैं बोलते टाइम पे। प्लस इसमें बहुत सारे जो इडियमेटिक लैंग्वेजेस होते हैं, जैसे फ्रेजेस यूज़ करें, मुहावरे टाइप में यूज़ करें, तो उनका हम ज़्यादा यूज़ करते हैं।
और जो ये इनफॉर्मल वे ऑफ राइटिंग होता है या जो इस टाइप की लैंग्वेज वेरिएशन होती है, इसमें काउंटलेस वेराइटीज़ होती है, इसमें बहुत बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं जो कि बेसिकली एक तरीके की ब्लैंकेट का वर्क करता है जिसके अंदर बहुत सारी टर्म्स आ जाती हैं। तो ये आपका हो गया इनफॉर्मल। सेकेंड आता है लिंगुआ फ्रैंका। जो लिंगुआ फ्रैंका है ना, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको प्लीज़ अच्छे से पढ़ लेना। कई बार इसकी डेफिनेशन अलग से भी आ जाती है कि लिंगुआ फ्रैंका क्या होता है। तो ये क्या है, एक तरीके का कॉमन लैंग्वेज है जो कि लोगों में बात करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में अगर बात करते हैं। इसको मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे आप साउथ साइड से बिलोंग करते हैं तो आपकी अपनी अलग लैंग्वेज होगी, वहाँ के रीजन की अलग लैंग्वेज होती है। आप गुजरात साइड से बिलोंग करते हैं तो आपकी अलग लैंग्वेज होगी। आप किसी दूसरी कंट्री से आए तो आपकी एक अलग लैंग्वेज होगी। हर किसी की अपनी एक कम्युनिटी वाइज और एरिया वाइज रीजन वाइज अलग एक लैंग्वेज होती है, लेकिन एक कॉमन लैंग्वेज होती है जिसको हर कोई समझता है। तो जो इंग्लिश है ना, उसको लिंगुआ फ्रैंका बोला जाता है। आप कहीं से भी आएँ, जो आपके बीच में कम्युनिकेशन गैप है, अगर आप कहीं बाहर किसी कंट्री में घूमने जाते हैं, आप किसी और स्टेट से आए और आप यहाँ पे, आपको नई चीज़ें समझ में आ रही, यहाँ की लोकल लैंग्वेज से आप फैमिलियर नहीं है, तो आप वहाँ पे इंग्लिश का यूज़ कर सकते हैं। तो जो कि आपका जो ब्रिज है ना, जो गैप बन रहा है, कम्युनिकेशन में, कि लैंग्वेज की वजह से आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, सर्वाइविंग में आपको दिक्कत आ रही है, तो जो लिंगुआ फ्रैंका है ना, वो एक तरीके का ब्रिज का काम करता है कि आपका वो जो नीड है, जो बेसिक नीड्स है, उसको पूरा करा जा सके। तो इंग्लिश को बेसिकली एक लिंगुआ फ्रैंका में डाला जाता है क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड ये बहुत कॉमन लैंग्वेज है। आप कहीं पे भी किसी को भी देखे, और कोई लैंग्वेज के अलावा अगर कोई नेक्स्ट लैंग्वेज को प्रेफरेंस देता है तो वो इंग्लिश को ही देते हैं, चाहे वो साउथ साइड से कहीं से आए, चाहे वो तमिल बोलते हों, चाहे वो गुजराती बोलते हों, जो मर्जी लैंग्वेज बोलते हों, लेकिन जो लिंगुआ फ्रैंका है, इंग्लिश, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। इवन जो आप गूगल पे सर्च करते हैं, कोई भी सर्च इंजन पे आप कुछ भी सर्च करते हैं, तो वहाँ पे आपको एक कॉमन लैंग्वेज मिलेगी, वो है इंग्लिश। तो ये ऑलमोस्ट सब लोग इसको यूज़ करते हैं और इनके लिए काफ़ी अंडरस्टैंडेबल भी हो जाती है। नेक्स्ट आपके पास में पॉइंट आता है पिडगिन। पिडगिन जो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें बेसिकली बात करी जाती है, ये एक तरीके का वर्जन होता है, सिंप्लीफाइड वर्जन होता है लिंगुआ फ्रैंका का। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसका जो ईजी वर्जन होता है ये होता है पिडगिन। इसमें जब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस के लोग आपस में कम्युनिकेट करने का ट्राई करते हैं तो वो एक अपनी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन ट्राई करते हैं, अपनी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बना लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं, तो उनमें जो कॉमन लैंग्वेज होगी ना, वो 99% आपको इंग्लिश ही मिलेगी, कि वो उसी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। और जैसे भी आप जहाँ पे भी रहते हैं, चाहे आप साउथ साइड में रहें, चाहे गुजरात साइड में रहें, या आप असम में रह रहे हैं, या फिर चाइना की साइड रहते हैं, आप कहीं पे भी रहते हैं ना, तो वहाँ के कुछ कुछ वर्ड्स आपको आने लग जाते हैं, लेकिन जो एक कॉमन लैंग्वेज होती है वो होती है जहाँ पे आप उन सबसे कम्युनिकेट कर पाते हैं। इसके अलावा जो पिडगिन है, इसमें ये भी होता है कि दो या दो से ज़्यादा लैंग्वेजेस को एक साथ मिक्स कर दिया जाता है और एक वन कॉमन लैंग्वेज बना दी जाती है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो होते हैं, काफ़ी इनमें अपनी वोकैबुलरी को भी डेवलप कर लेते हैं। जैसे कुछ पंजाबियों में अपने अपने वर्ड्स को डेवलप किया जाता है, वो कुछ अलग वर्ड्स को बोलते हैं जिसका बेसिक मीनिंग आप, अगर आपको हिंदी आती है तो शायद आपको नहीं समझ में आए। वैसे मुझे भी पंजाबी ज़्यादा समझ में नहीं आती, तो ऐसा होता है कि आप जो लैंग्वेज में फैमिलियर होते जाते हैं उसमें अपने अपने वर्ड्स को ही डिफाइन कर लिया। माने आपका एक ग्रुप सर्कल है तो उसमें ना बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिसको आपने ना अपनी लैंग्वेज में ही ट्रांसफर कर लिया, जिस लैंग्वेज में आप बोल रहे हो आपको ही पता है कि आप उसको कोड वर्ड में बोल रहे हैं या कैसे बोल रहे हैं, तो उसका क्या मीनिंग है। तो ये चीज़ें आती हैं आपके पिडगिन में। ये फोर टाइप्स अभी आपको शायद समझ में आ गए होंगे, स्टैंडर्ड पोलाइट फॉर्मल, कॉलिकुअल इनफॉर्मल, लिंगुआ फ्रैंका और पिडगिन। ये चार टाइप्स मैंने आपको समझाए हैं। अगर यहाँ तक आपको वीडियो एकदम क्लियर है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। यूट्यूब का एल्गोरिथम है कि वीडियोज़ को जितने लाइक मिलते हैं उस अकॉर्डिंग वो ऊपर आ जाती है। तो प्लीज़ अगर आपको लगता है ना मेरी वीडियोस लाइक डिजर्व करती हैं और मेरा चैनल और सब्सक्राइबर्स को डिजर्व करता है, तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए। अब इन चार के बाद में नेक्स्ट आता है रीजनल डायलेक्ट एंड सोशल डायलेक्ट। रीजनल डायलेक्ट क्या होता है? रीजनल और सोशल, देखिए दोनों नाम से क्लियर हो रहा है। रीजनल का मतलब हो गया पर्टिकुलर रीजन वाइज। अब ये ना बेसिकली जो रीजनल होते हैं ना उसके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि एक कंट्री है उसमें डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में अलग अलग लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगी। आप जहाँ पे भी आप रहते हैं ना वहाँ का आप एग्जांपल देखिए। चाहिए मैं एग्जांपल लेती हूँ, आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में भी आपको हर एक कॉर्नर पे, हर एक
कम्युनिटी में ना एक अलग टाइप की लैंग्वेज मिलेगी, एरिया वाइज भी हो सकती है। कुछ हाई क्लास सोसाइटीज़ में बहुत ही सोफेस्टिकेटेड वर्ड्स को यूज़ किया जाता है, कुछ लोअर सोसाइटीज़ में यूं ही कुछ भी चीज़ें बोल दी जाती है। तो रीजनल डायलेक्ट जो है ना वो रीजन वाइज डिपेंड करता है कि आप आपस में बातचीत करने के लिए किस तरीके से बात करते हैं, एक्सेंट क्या है, वर्ड्स का प्रोनंसिएशन क्या है, कैसी तरीके से बातें हो रही हैं। अब ये चीज़ें जैसे सिटीज़ में, गाँव साइड एरिया में, तो अलग अलग तरीके से इसमें हो जाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है सोशल डायलेक्ट। सोशल वर्ड जो होता है ना, इसमें बेसिकली क्लास और कल्चर को डिफाइन किया जाता है, रीजन के बजाय इसमें क्लास और कल्चर को डिफाइन किया जाता है। अगर आप एक कल्चर को फॉलो करते हैं, एक बिल्डिंग में आप रहते हैं, वहाँ पे अगर आपके आसपास के लोगों का सेम कल्चर है, तो उनका वेज जो होगा, चीज़ों को डिफाइन करना है, तरीका वो ऑलमोस्ट सेम होगा। एक जो सोशल ग्रुप होता है ना, एक कम्युनिटी जिसको डिवीजन दे देते हैं, तो वो चीज़ें आती है क्लास और कल्चर में। सोशल डायलेक्ट जो है ना, ये आपको क्लासरूम्स में देखने को मिलेगा। जो आप स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो वहां पे आप सबका कोई ना कोई ग्रुप होगा, उस ग्रुप में आप आपस में कैसे बातचीत करते हैं, तो ये चीजें जो होती हैं वो सोशल डायलेक्ट में आती हैं। पिटगिन का भी ऑलमोस्ट मीनिंग सेम होता है, लेकिन उसमें आप कुछ नए वर्ड्स को इन्वेंट कर देते हैं। सोशल डायलेक्ट में क्या होता है, एक ग्रुप में ऑलमोस्ट सेम लैंग्वेज आप बोल रहे हैं और उसी को प्रेफरेंस देते हैं, तो ये चीज आती है आपकी सोशल डायलेक्ट में, जो कि बेसिकली क्लास और कल्चर के ऊपर डिपेंड करती है। आई होप आपको ये 6 टाइप्स समझ में आए होंगे। 2 ये पेयर हैं, 2 ये पेयर हैं और 2 ये पेयर हैं। इसके बाद में आगे के इन पार्ट्स को पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास में कैरियोल। अब जो कैरियोल है ना, ये जो आपके पास में पिटगिन वर्ड है, इसी की ही एक तरीके की फॉर्म है, जहाँ पे लैंग्वेज को डेवलप किया जाता है। कैरियोल में भी लैंग्वेज को क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है, जहाँ पे दो और दो से ज़्यादा लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं बाय कल्चर वाइज, या फिर जो उनकी नेटिव लैंग्वेज होती है वो चीज़ बन जाती है, वो होती है कैरियोल। अब इसमें इसके बाद में नेक्स्ट आता है वर्नाकुलर। वर्नाकुलर का मतलब क्या हो गया, एक टिपिकल नेटिव लैंग्वेज जो होती है, जो कि इनफॉर्मली बोली जाती है। मतलब कि जब आप कुछ रिटर्न पर्पस पे काम करेंगे, उस ग्रुप में अगर आप रह रहे हैं, आप रिटर्न पर्पस से कुछ काम करते हैं, लिखते हैं, तो उस टाइम पे आप वो लैंग्वेज को यूज नहीं करेंगे, वो बेसिकली स्पोकन पर्पस पे एक यूज करी जाती है। और इसमें सोसाइटीज के बेसिस पे स्टेटस मिलता है, इसको यूजुअली लोअर स्टेटस दिया जाता है। हाई सोसाइटीज में इस टाइप की लैंग्वेज को प्रेफरेंस कम मिलती है, क्योंकि उनका बोलने का तरीका ऑलमोस्ट जो रिटर्न वाला पोर्शन होता है उसी से रिलेट करता है। तो बेसिकली जो वर्नाकुलर है ना, ये एक ऐसी टर्म होती है इस टाइप की लैंग्वेज को डिफाइन करने के लिए यूज जाता है, जो कि नेचुरली यूज करी जाती है स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल से, तो उसे हम वर्नाकुलर कहते हैं। नेक्स्ट आता है पेटोस, या देखिए इसको पेटियोइस बोलेंगे या पेटो वर्ड, मेरे अकॉर्डिंग इसको पेटो बोलेंगे, आईएस इसमें साइलेंट है, फिर भी आप एक बार इसको चेक कर लेना, क्योंकि आपको मीनिंग से मतलब है, प्रोनंसिएशन पे मत जाना, आपका रिटन पेपर है, स्पोकन पे या इंटरव्यू बेसिस पे नहीं हो रहा है। अब जो ये टर्म होती है ना पेटोस, इसका मतलब होता है जो कि माइनॉरिटीज़ होते हैं या नॉन स्टैंडर्ड यूज़ ऑफ लैंग्वेज होती है, जो कि यूज़ करते हैं लोग, जैसे कि जो कैरियोल्स या पिटगिन में अपनी एक अलग तरीके से लैंग्वेज क्रिएट हो गई, इसी तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। बेसिकली जो माइनॉरिटी और जो नॉन स्टैंडर्ड यूज़ होता है लैंग्वेज का, वो इस ग्रुप के अंदर आता है। और प्लस कई बार इसमें कुछ नेगेटिव कॉन्टेशन भी होते हैं, जो कि नेगेटिव वे में भी चीज़ों को लेते हैं। इसमें जो इनफॉर्मल स्पीच होता है, जो कि पर्टिकुलर सोशल ग्रुप यूज करता है, इसे हम पेटोस कहते हैं। जैसे कोई ट्राइबल ग्रुप है, कोई ट्राइबल कम्युनिटी है, उनका एक ग्रुप बना हुआ है 100-150 जितने भी लोगों का, वैसे तो इतना बड़ा नहीं होगा, थोड़ा छोटा ग्रुप होता है, या फिर जो बंजारेज होते हैं उनका एक अपना ग्रुप बना हुआ है, तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं ना वो यूज करते हैं, वो अपने अपने ग्रुप के लिए यूज करते हैं, तो इसे हम पेटोस कहते हैं। और इस टाइप के ग्रुप के जो लोग होते हैं, इनमें जो लैंग्वेज वेरिएशन होती है, अगर उनके बच्चे पढ़ते हैं तो उसको काफी ज्यादा हद तक पेशेंस चाहिए होता है, काफी उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, क्योंकि उनके लिए अलग से कुछ वैरायटी नहीं मिलती है, कुछ अलग से उनको मटेरियल भी प्रोवाइड नहीं किया जाता है, कल्चर से रिलेट करके चीज़ों को नहीं पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट आता है लिंगो। लिंगो टर्म क्या यूज़ करी जाती है, जैसे जब आपको वर्डिंग करनी हो, फ्रेजिंग करना हो, जब आप वर्ड्स को कनेक्ट करके बोलते हैं, उसे हम लिंगो कहते हैं। एक सर्टेन ग्रुप इनको यूज़ करता है। लिंगो में आपके पास में 2 डिफरेंट टर्म्स आती है, एक आती है जॉर्गन और स्लैंग। ये तीनों टर्म्स को आपको साथ में पढ़ना है, ये आने के चांसेस है, क्योंकि आपको इन दोनों को भी डिफाइन करना पड़ेगा। लिंगो में आपके पास में जॉर्गन आता है और स्लैंग आता है।
अब लिंगो जो होता है एक तरीके का रफली सिनोमिस होता है. रफली सिनोमिस का मतलब होता है सिनोनिम मीन्स कि सेम सेम वर्ड्स होते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा रफली होता है. रफली का मतलब ये नहीं है कि आप सोच समझ के इनके सिनोनिम्स बना रहे हैं. जैसे आपने सुना होगा आता जाता नहाता, तो ये वर्ड्स क्या है, एक राइमिंग बन रही है, तो इस तरीके से आपने इसको सिनोनिम्स कर दिया. तो ये जो चीज़ें होती हैं ये लिंगो में आती हैं. अब इसमें दो चीज़ें आती है, एक होता है जॉर्गन और एक होता है स्लैंग. तो जॉर्गन्स में बेसिकली जो वर्ड्स होते हैं, फ्रेजेस को आप यूज़ करते हैं जो कि स्पेसिफिक कम्युनिटीज़ यूज़ करती हैं या फिर एक स्पेशलिटी होती है. जैसे कि अगर आप कोई प्रोफेशन में है, किसी भी प्रोफेशन में, आप टीचिंग में है तो आप वहाँ पे बहुत सारे टीचिंग से रिलेटेड वर्ड्स को यूज़ करेंगे. अगर आप डॉक्टर है तो आप बहुत सारी मेडिकल टर्म्स को यूज़ करेंगे. अगर आप स्पोर्ट्स में है तो आप उन चीज़ों को उस तरीके से यूज़ करेंगे. तो ये चीज़ें आपके पास में जॉर्गन में आती है. इसका एग्जाम्पल मैं देती हूँ. देखिए मैंने तो इसको पूरा एक अलग अलग कलर में कर दिया. वर्ड है आपके पास में पिच. पिच वर्ड जो है ना, अगर आप स्पोर्ट्स में तो भी ये वर्ड यूज़ होगा लेकिन उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा. अगर आप कोई म्यूजिशियस है, कोई म्यूजिक वगैरह यूज करते हैं, कहीं पे आरजे हैं, तो भी वहां पे पिच और फ्रीक्वेंसी वर्ड का बहुत अलग तरीके से यूज होता है. तो वर्ड सेम था लेकिन इसका जो यूज है ना वो स्पोर्ट्स या ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग चेंज हो गया. तो ये चीजें आती हैं आपकी जॉर्गन में. इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपके पास में स्लैंग. स्लैंग में भी यही चीज होती है कि जो सब ग्रुप्स होते हैं ना, ये जैसे जॉर्गन होता है इसी तरीके से स्लैंग होता है, जो कि आइडियाज को डिस्क्राइब करने के लिए, कुछ नए आइडियाज के लिए आपने किस तरीके के वर्ड्स को यूज किया, या फिर जैसे यंगस्टर्स होते हैं ना वो अपना एक ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं, एक लैंग्वेज क्रिएट कर लेते हैं. जैसे कि ब्रदर है, ब्रदर वर्ड है, कॉमन वर्ड है, लेकिन वो ब्रो बोलेंगे. तो ये चीज़ क्या है, स्लैंग में आ गई कि उन्होंने अपना एक एग्जांपल लिया, अपने अकॉर्डिंग एक टिपिकली एसोसिएट किया या अपने आप जो लैंग्वेज है उससे सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया. तो वो चीज़ आती है आपके पास में स्लैंग्स में. तो यहाँ पे बेसिकली एग्जांपल लैंग्वेज ऑफ यंगर्स दे रखा है, यंगर जनरेशन की जो लैंग्वेज होती है. जैसे कि व्हाट्सएप आप बोलते हैं, इंस्टाग्राम को इंस्टा बोल दिया, तो ऐसे आपने अपने तरीके से वर्ड्स को डिराइव किया. तो ये चीज़ आती है आपकी स्लैंग्स में. वैसे तो ये जो वीडियो है ना BEGG 172, इसमें मैं आज आपको दो क्वेश्चंस करवाने वाली थी, बट यही बहुत बड़ा हो गया और सच में मैं बोलकर थक गई हूँ अभी. तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करवाऊंगी. ये क्वेश्चन आपका पूरा कंप्लीट हो गया और काफ़ी ज़्यादा अच्छा आंसर है, प्लीज़ इसको छोड़कर मत जाइएगा. इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके एग्जाम में डेफिनेटली होगा और ये काफ़ी बेनिफिट होगा आपके लिए. और जो सेकेंड क्वेश्चन मैं करवाने वाली थी उसके साथ मैं और क्वेश्चन को ऐड कर दूंगी. तो ये था हमारा लेक्सिकल मॉर्फिम्स क्या होता है, ये भी काफ़ी डिटेल का एक्सप्लेन है. कम से कम 20 मिनट्स इस क्वेश्चन में भी लग जाएंगे, बट इसको डोंट वरी, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको जल्दी ही कवर करूंगी. और आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप सबको मुझे ये बताना है BPAS 186, ये क्या आप में से किसी का सब्जेक्ट है, क्या आप चाहते हैं इसके ऊपर मैं वीडियोस रिकॉर्ड करके अपलोड करूं. तो जितने आपके कमेंट्स होंगे उस अकॉर्डिंग मैं जल्दी से जल्दी वीडियोस लेकर आऊंगी. अगर आपको इसकी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए BPAS 186, एंड प्लीज़ जितना हो सकता है वीडियोस को शेयर करिए. और मेरी स्टार्टिंग वाली बात को वैसे याद लेना सब्सक्राइबर्स की. नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच. BEGG 172.